कोरोना के बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए आज गृह मंत्रालय में मीटिंग हुई थी और ये बहुत ज़रूरी है इस वक्त सिचुएशन को डील करने के लिए कि सभी एजेंसीज और सभी सरकारें मिलके काम करें। मैं केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, माननीय गृह मंत्री जी का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये मीटिंग बुलाई और अब सारी एजेंसीज एक तरह से मिलके काम करेंगी। दिल्ली के लोगों की सेहत के लिए और उनकी जान बचाने के लिए इस वक्त ये ज़रूरी है कि सब लोग मिलके काम करें। अभी एक तो ये सबसे इस वक्त सबसे ज़्यादा परेशानी जो हो रही है जो एक वो आईसीयू बेड्स को लेके है। हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में खासकर लगभग 20 अक्टूबर के बाद से केसेस बड़ी तेज़ी से दिल्ली के अंदर बढ़ने लगे हैं, तो बेड्स इस टाइम जो हैं वो तो फिर भी ठीक ठाक संख्या में हैं जो कोविड बेड्स हैं, लेकिन आईसीयू बेड्स जो हैं वो बहुत तेज़ी से एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं। तो केंद्र सरकार ने आज एश्योरेंस दिया है कि वो जो DRDO का सेंटर है वहाँ पे अगले दो दिन में 500 आईसीयू बेड्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे और उसके अगले कुछ दिन में 250 और, तो लगभग 750 आईसीयू बेड्स वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। इसके साथ साथ दिल्ली सरकार भी और आईसीयू बेड्स बढ़ाए, उसके लिए बाईपैक मशीनें जो हमें ज़रूरत है वो केंद्र सरकार उसको मदद करेगी वो देने में, तो उससे हम दिल्ली सरकार के भी फैसिलिटीज़ के अंदर नए आईसीयू बेड्स बढ़ा सकते हैं। दूसरा बड़ा निर्णय था कि जो अभी टेस्ट्स किए जा रहे हैं, अभी लगभग 60,000 टेस्ट हम लोग डेली कर रहे हैं, इसको बढ़ा के 1,00,000-1.25 लाख तक हमें इन टेस्ट्स को डेली बढ़ा के ले जाना है, जिसमें ICMR ने एश्योर किया है कि वो जो भी व्यवस्थाएं, क्योंकि दिल्ली सरकार की जितनी फैसिलिटीज़ हैं वो पूरी अपनी एकदम कैपेसिटी पे, फुल कैपेसिटी पे काम कर रही हैं, तो केंद्र सरकार की जो वो है वो उसमें हमें मदद मिलेगी। तो मोटे मोटे तौर पे ये हैं, और भी कई सारे निर्णय थे, लेकिन पोल्यूशन से रिलेटेड कोई खास बात? पोल्यूशन से रिलेटेड अभी बात नहीं है सर, मार्केट भी बंद करने की कोई बात है क्या? वो शायद कल गृह मंत्रालय इसके बारे में मीटिंग कर रहा है, आज इसके बारे में रिस्ट्रिक्शंस के बारे में कोई चर्चा नहीं है।